नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस समय मैं रूपनगर में मौजूद हूं और आपको यहां से लगभग एक महीने पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर जेडी की ओर से डिमोलिशन ड्राइव को कंडक्ट किया गया था। यानी कि जितने भी यहां पर लोग थे, जो इंक्रोचर्स थे, जिन्होंने यहां पर इलीगली लैंड को इंक्रोच किया था और जो एरिया जेडीए को बिलोंग करता था, उस चीज को लेकर जेडीए ने अपनी कार्रवाई की थी। आप लोगों ने देखा कि उस दिन का मंजर यहां पे किस कदर था। उसके बाद लगातार इनकी ओर से धरना प्रदर्शन किया गया और ये कहा गया कि हमारे साथ जो है वो जस्टिस किया जाए। इनका कहना है कि जितना हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए चाहिए। इस चीज को लेकर आज एक बार फिर से इनकी ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आप मेरे पीछे तस्वीरें भी देख रहे हैं कि इस समय महिलाएं जो हैं वो भी इस धरने में शामिल हैं, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां भी आपको देखने को मिलेंगी। और ये लोग जो हैं वो जस्टिस की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल जेडीए ने इनक्रोचर्स के खिलाफ जो कार्रवाई की थी, उनका कहना है ये लैंड जो है वो जेडीए को बिलोंग करती थी और ये कार्रवाई करना काफी ज्यादा जरूरी थी। फिलहाल यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो भी धरने के लिए बैठी हैं और इसके अलावा अगर आपको अलग मंजर दिखाऊं तो इनके सपोर्टिंग में भी जो है वो बहुत से लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तस्वीरें जो है मैं आपको रूपनगर सेक्टर 6 से दिखा रही हूँ। इससे पहले भी आप लोग जानते हैं कि जो जेडी की ओर से यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, लोगों ने उस चीज़ को लेकर क्या रिएक्शन दिया। जहाँ पर जेडीए के समर्थन में लोग खड़े हुए, वहाँ पर इन फैमिलीज के समर्थन में भी जो है वो लोग खड़े हुए हैं। तो क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय तस्वीरें, जो यहाँ पर लोग मौजूद है, एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है जो कि इन फैमिलीज के साथ आई है और इनके जो बैनर्स लगाए गए हैं, मैं आपकी नज़र जो है वो उस पर भी डालना चाहती हूँ कि इनके जो बैनर्स है उनमें इन्होंने क्या लिखा है। एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है और ये लिखा गया है कि एंटी डिमोलिशन ड्राइव स्टॉप एट्रोसिटीज अगेंस्ट पीपल पुअर पीपल इम्प्लीमेंट ट्राइबल राइट्स वी वॉन्ट जस्टिस यूनाइट फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये कुछ बैनर्स लेकर जो है वो आज यहाँ पर इनकी ओर से धरना किया जा रहा है। फिलहाल जो महिलाएं यहाँ पर हैं उनसे भी बातचीत की जाएंगी कि आज इनकी ओर से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इस बारे में इन लोगों का क्या कुछ कहना है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं इनके सपोर्ट में भी जो है वो बहुत से लोग आए हैं, जो एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है उस चीज़ को देखते हुए। हमारी इन्होंने कोई सुनाई नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। मैं हार्ट की प्रॉब्लम है मुझे, उस दिन भी मुझे हार्ट हो गया था। कल भी इन्होंने हमारे साथ पुलिस वालों ने हाथबाजी की, मुझे कल भी हार्ट हो गया। कल भी मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं। बाथरूम तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, मकान तोड़ दिया इन्होंने। हम 130 साल के बस रहे हैं यहाँ पे, आज हमारा इतना हक नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, हम बोल भी नहीं सकते हैं। मैं पुलिस वालों को बार बार बोला, मैं बोला मैं बीमार हूँ, मेरे साथ बात फालतू बातें मत करना मत करना, मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो वो जान जान के कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ मुझे कल भी इतना सख्त टैग आया, मैं आज भी इतनी बात नहीं कर सकती हूँ कि इन्होंने हमारे को निकालना शुरू कर लिया, बिल्कुल निकालना ही, द्वारों के साथ द्वार निकाल रहे हैं, बोलते हैं अभी नहीं, अभी ठहरो, अभी ठहरो, अभी पता नहीं इनका क्या कानून है क्या नहीं है। इन्होंने जी इतना भी निकालने का है तो हमारे को 50 साल 60 साल पहले निकाल देना था। आज कौन सी बीमारी बढ़ी है, सोने के पास जमीन बिक रही है। एक महीने से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, 33 दिन हो गए बचे, और उसके बाद बहुत सी बारिश में इसके चलते हुए बहुत बारिश रही, ये 3-4 दिन हो गया धूप, आपको भी पता है ये 3-4 दिन हो गए धूप इसी तिरपाल के नीचे। मेरा 2 महीने का पोता है वो इसी तिरपाल के नीचे रहा, मेरे बच्चे का पूरा ही घर तोड़ दिया, वो इधर ही रहा। परसों लाया हॉस्पिटल से घर में, डबल निमोनिया हो गया उसको और इन्फेक्शन हो गया, हम लोग आते जाते रहे, उसको इन्फेक्शन हो गया। और हमारा कहना यही है भाई, अगर जो इन्होंने लेने जाते हैं तो इन्होंने मारे वाला हक पहले देना था, तो इन्होंने बाकी काम बाद में करना था। जिनको प्लाट दे दिया, हमारे वाली जमीन दे दे, प्लाट दे दिया तो हमारा कोई फैसला ही नहीं। जब आप यहाँ पर रह रहे थे क्या आपको पता नहीं था कि ये घर जो है ये लैंड जो है ये जेडी की है? ना ना ना, पहले इन्होंने हमारे को जब आई ना 50 साल पहले जेडी जब आई ना, उस टाइम इन्होंने हमारे को वो किया, संगलों से नाप के दिया के ये जमीन आपकी, ये हमारी उस टाइम फीता नहीं लगता,
उस टाइम संगल से नापते थे, उन्हें संगलों से नाप के दिया। फिर हमारे साथ कुछ नहीं, फिर हमें गुरदोरिया भी बीच में 70 में 78 में करा लिया, गुरदोरिया भी चल रही थी। फिर एक दो बार इन्होंने ऐसे ऐसे किया, फिर हमें थोड़ा बहुत स्टे भी करा लिया। हमें बोले हम इतने साल के रहते हैं, हमारे को कौन निकालेगा, ये थोड़ा पता था हमारे बार इतना बड़ा हाला उन्होंने उठा लेना। आपको इतने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, इस बारे में आप कुछ सुख लेने आए हैं, कितनी परेशानी में है या कोई आश्वासन दिया गया कि आप बच्चा परेशानी है? बुलाजी वाले खाना बना के खिलाते हैं, हमारा जो सामान है बीच में इन्होंने मलिया मीट किया, मकान के नीचे जो सामान का मोह नहीं निकालने दिया। मेरा 2 महीने का बच्चा है, अंदर रह गया तो लड़की आने लगी अंदर लेने दो, उसको बोला बच्चा हम खुद देंगे, आप नहीं आना अंदर। बच्चा उन्होंने बाहर निकाला, लड़की को किस से 2 महीने का ऑपरेशन था उसको, तो उसको खींच के बाहर निकाला इन्होंने। वो लड़की भी मेरी बीमार रहती है, उसकी टांगों को खींच लागी है नहीं, वो भी बीमार रहती है। तो इन्होंने सारा मलिया मीट करे, बलादरी वाले हमारे को खाना खिलाते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो कितने परिवार ऐसे हैं जो इस समय बेघर हो चुके हैं? ये बच्चा एक पहला था हमारा बूढ़ा केला, फिर 8 भाई है, हम भी उनको 70 साल का 8 भाई है, कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 60 साल का है, आगे बच्चों के आगे बच्चे है, मेरे बच्चे के आगे भी बच्चे है, बाकी वाले तो सबसे बड़े, हम सबसे छोटे हैं। मैं पोते वाली है, उनके आगे भी बच्चों के आगे भी बच्चे हो गए। हमारी कम से कम 100 बंदा बन जाता है, घर का गिनती में लगाना हो तो 100 बंदा बन जाता है। तो देखिए ये वो महिला है जिनके घर, जो घर को डिमोलिश किया गया है, जेडे की ओर से कार्रवाई जो है वो की गई थी, और आप लोगों ने जो है वो सुना कि क्या कुछ इनका कहना था। फिलहाल अगर बाकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इनके समर्थन में यहां पर पहुंचे हैं और इस चीज़ को लेकर प्रशासन से बातचीत करना चाहेंगे। अगर मैं दूसरी ओर के आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो सुरक्षा बलों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि जब भी धरना प्रदर्शन होता है हाथापाई ज़रूर होती है। हालांकि आपने सुना भी महिला का ये कहना था कि कल जब प्रदर्शन हुआ है उस चीज में भी जो है वो काफी हाथापाई हुई है पुलिस में और इन जो आंदोलनकारी हैं इन सबके बीच में। ये तस्वीरें आपको मैं रूपनगर से दिखा रही थी, और किस तरह से जेडीए की ओर से यहाँ पर कार्रवाई की गई थी वो भी आप लोगों के सामने ही था। और जिन महिला यहाँ पर धरने पर बैठी है उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, तो क्या कुछ उनका कहना है। आप लोगों ने सीधी तस्वीरें देखी हैं और साफ तौर से सुना भी है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।